हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विस्टर्स की बुक से लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर एट मेमोरीज ऑफ़ चाइल्डहुड के थर्टी फाइव इम्पोर्टेंट एम्सक्यूर्स सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द राइटर ऑफ़ द चैप्टर मेमरीज ऑफ़ चाइल्डहुड ऑप्शन सार कलासा बामा बोथ ए एंड बी कॉलिन इन कॉलिंग डेक्स्ट राइटर हैं कौन से चैप्टर के इवानस ट्राइजन ओ लेवल और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के राइटर हैं जिट कलासा एंड बामा दोनों ही सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ राइट नेक्स्ट है वॉट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर अब आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं तो पहले पार्ट का टाइटल कौन सा है द कटिंग ऑफ माई ब्लैक हेयर द कटिंग ऑफ माई हेयर द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर द कटिंग ऑफ माई प्राइड सही आंसर है ऑप्शन सी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर नेक्स्ट है वॉट इज द टाइटल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इस चैप्टर के यानी कि मेमरीज ऑफ चाइल्डहुड के सेकेंड पार्ट का टाइटल कौन सा है ऑप्शन ए वी टू आर इंटेलिजेंट बी वी टू आर ह्यूमन बींग्स सी वी टू आर सुपर ह्यूमन बींग्स या फिर ऑप्शन डी वी टू आर स्मार्ट सही आंसर है ऑप्शन बी वी टू आर ह्यूमन beings क्वेश्चन नंबर फोर टू विच कंट्री does द phrase द लैंड ऑफ एप्पल्स रेफर टू द लैंड ऑफ एप्पल्स ये जो है फर्स्ट जो पार्ट है उसका पहला ही सेंटेंस है तो ये कौन सी कंट्री को रेफर करता है चाइना अमेरिका जापान इटली सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट डज द चैप्टर मेमरीज ऑफ चाइल्डहुड प्रजेंट इस चैप्टर में क्या दिया गया है ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वीमेन दो औरतों की ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड हैं इसमें या फिर ऑप्शन बी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर सी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए फेमस डांसर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए दो औरतें हैं जिट कलासा एंड बामा उनकी लाइफ की एपिसोड यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन नंबर सिक्स हु वॉज जिट कलासा अ नेटिव अमेरिकन अ टमिल गर्ड अदालत वूमन अ फेमस डांसर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जिट कलासा वॉज अ नेटिव अमेरिकन क्वेश्चन नंबर सेवन वट ड कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जिट कलासा सिम्बलाइज इन द चैप्टर जिट कलासा के लंबे बालों को काट दिया गया था तो किस चीज़ का सिम्बल है हर डिज़ायर टू डोमिनेट लंबे बालों का काटा जाना दिखाता है उसके डिज़ायर डोमिनेशन के लिए या फिर ऑप्शन बी वो फैशनेबल दिखना चाहती थी या फिर ऑप्शन सी सब्जेक्शन टू द रूलर्स जो रूलर्स हैं जो डोमिनेटिंग क्लास है उसके आगे झुकना या फिर ऑप्शन डी हर विश टू गेट जस्टिस सही आंसर है ऑप्शन सी सब्जेक्शन टू द रूलर्स क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज बचपन की यादें इसका क्या मतलब है ऑप्शन ए मेमोरीज ऑफ द टाइम स्पेंट विद ए चाइल्ड एक बच्चे के साथ जो है बिताया गया समय उसकी यादें या फिर ऑप्शन बी मेमोरीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड बचपन के दौरान जो यादें हैं वो वाली यादें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी डी नाइदर ए नॉर बी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चाइल्ड पीरियड के दौरान जो यादें वो उसका मतलब होता है चाइल्डहुड मेमोरीज क्वेश्चन नंबर नाइन वट डिड जिटकलासा फील वैन हर लॉन्ग हैिटकलासा ने कैसा महसूस किया जब उसके लम्बे बालों को काटा गया रिलैक्सड हैपी ऑपरेस्ड एंड विक्टिमाइज ऑल ऑफ दीज बिल्कुल ईजी है स्टोरी का पता है तो हम ईजिली आंसर दे सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट जिट कलासा फेल्ट वेरी ऑपरेस्ड एंड विक्टिमाइज क्वेश्चन नंबर टेन वट डज द फ्रेज ईटिंग बाई फॉर्मूला स्टैंड फॉर ये फ्रेज़ जो है चैप्टर में यूज़ हुआ है ईटिंग बाय फॉर्मूला तो क्या मतलब है इसका अ सेट पैटर्न ऑफ क्लास वर्क अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ प्रेयर अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ईटिंग डेकोरम अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ एंट्रिंग स्कूल सही आंसर है ऑप्शन सी जिट कलासा बहुत ही परेशान हो गई थी रोने लग गई थी उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कब जो है खड़े होना है चेयर पे कब बैठना है और कब खाना स्टार्ट करना है क्योंकि एक प्रिंसिपल से जो फिक्स्ड पैटर्न था ईटिंग डेकोरम था तो उसका मतलब है यही ईटिंग बाय फार्मूला क्वेश्चन नंबर इलेवन वाई डिड जिट कलासा नॉट लाइक हर हेयर टू बी कट जिट कलासा क्यों नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाएँ बिकॉज शी लाइक लॉन्ग हेयर बिकॉज शी डिडेंट लाइक एनी वन टू टच हर हेयर बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट मोर्नर्स एंड कावर्ड्स कीप सच हेयर नन ऑफ दीज क्योंकि उसकी मदर ने बताया था कि जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं जो शोक विलाप करने वाले होते हैं डरपोक होते हैं वही छोटे बाल रखते हैं उन्हीं के बाल काटे जाते हैं यस ऑप्शन सी इज़ राइट आगे देखते हैं वाई डिड जिड कलासा फाइंड ईटिंग बाई फार्मूला अ one? जिड कलासा को ये ईटिंग बाई फार्मूला डिफ़िकल्ट लगा था क्यों क्या रीज़न था बिकॉज ऑफ़ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी बिकॉज ऑफ़ हर इन अबिलिटी टू फॉलो द बैल टैप्स बैल बज रही थी पहली बैल पे क्या करना है दूसरे पे क्या तीसरे पे क्या वो कुछ समझ नहीं पा रही थी इस वजह से ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ द क्राउड इन द कैंटीन या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही आंसर है ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शंस थी और साथ ही साथ वो बैल टैपिंग को फॉलो भी नहीं कर पा रही थी सो ऑप्शन डी इज़ राइट बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन वॉट डिड जुडविन टेल जिट कलासा जुडविन ने क्या बताया जिट कलासा को दैट शी विल बी अवॉर्डेड विद द प्राइज उसको प्राइज़ दिया जाएगा दैट शी विल बी ऑनर्ड बाय द टीचर्स टीचर्स उसको जो है मान सम्मान देंगे दैट शी विल बी पनिश्ड बाय द टीचर्स और दैट है वुड बी कट या फिर उसके बाल काट दिए जाएंगे यस yes, जुडविन ने यही बात बताई थी क्योंकि उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती थी और उसने ओवर हेयर कर लिया था उसने सुन ली थी ये बात कि बहुत जल्दी ही उसके बाल काट दिए जाएंगे जिट कलासा के ओके okay. अगला क्वेश्चन वाई वॉज जिट कलासा इन टीयर्स ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स अमेरिका में जिट कलासा पहले ही दिन स्कूल में जो है रो रही थी क्यों क्या रीज़न था बिकॉज ऑफ ईटिंग बाई फॉर्मूला बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ हर हेयर बिकॉज ऑफ बींग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी अब तक हम पढ़ चुके हैं ईटिंग बाय फॉर्मूला उसे अच्छा नहीं लगा था उसके जबरदस्ती अच्छा बाल काट दिए गए थे ठीक है चैप्टर में पेरेंट्स वाली कोई बात नहीं कही गई है इसीलिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज राइट आगे देखते हैं वाई डिड जिट क्लास स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द फूड बिकॉज ऑल वर ग्र लाफिंग एट हर बिकॉज ऑफ ईटिंग बाई फार्मूला ऑल ऑफ दीज सही आंसर दे सकते हैं आप आराम से ऑप्शन सी डाइनिंग टेबल पर उसने रोना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ ईटिंग बाय फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वाई डिड जिट कलासा हाइड हर सेल्फ़ जिट कलासा ने अपने आप को छिपा लिया था किस लिए टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ जुडविन टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम लाइट अंधेरे में रहना चाहती थी वो टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर बिकॉज शी डिन नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी वो जो है अपने बाल जो है नहीं कटवाना चाहती थी लोगों को रोकना चाहती थी उनसे बचना चाहती थी इसी लिए छिप गई थी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वॉट इज़ बेल फ्राई पार्ट ऑफ ए बेल टावर पार्ट ऑफ़ अवज़िक टावर पार्ट ऑफ़ ए सिल्वर टावर नन ऑफ दीज सही आंसर है ऑप्शन ए बेल टावर को कहा गया है बेल फ्राई क्वेश्चन नंबर एटीन विच फैमिली डिट बामा बिलोंग टू बामा कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी अ रिच फैमिली अज्श फैमिली यहूदी परिवार या फिर एक दलित तमिल परिवार या फिर नन ऑफ दीज सही आंसर है ऑप्शन सी बामा तमिल फैमिली से बिलोंग करती थी दलित फैमिली क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वॉट हैड हर्ड बामा इन द सोसाइटी बामा को क्या चीज़ जो है हर्ट कर रही थी प्रैक्टिस ऑफ अनटचिलिटी रोड शोज पोलिटिकल ड्रामाज प्लाइट ऑफ क्लास स्टूडेंट्स सही आंसर है ऑप्शन ए प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हु इज बामाज ब्रदर बामा के ब्रदर का नाम क्या है मनन विक्रांत अनन नन ऑफ दीज अनान भी कह सकते हैं इसको ऑप्शन सी इज राइट आगे देखिए हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम बामा को घर तक आने में स्कूल से घर तक आने में कितना टाइम लगता था दो घंटे तीन घंटे चार घंटे या फिर थर्टी मिनट्स टू वन आवर तीस मिनट से लेकर एक घंटा लग जाता था येस ऑप्शन डी इज़ राइट वैसे रास्ता था दस मिनट का ही लेकिन उसे लगभग एक घंटा लग जाता था क्वेश्चन उसी से रिलेटेड अगला वाई डिड बामा रीच होम इन वन आर इन प्लेस ऑफ टेन मिनट्स दस मिनट का रास्ता होता था लेकिन बामा लगभग एक घंटे में घर पहुंची थी कारण क्या था शी talking टू हर फ्रेंड्स ऑन द वे रास्ते में अपने फ्रेंड्स से बातें करती रहती थी शी वॉज इन्जॉइंग ओल गेम्स गोइंग ऑन द रोड रोड पर जितने भी गेम्स होते थे उनको देखने लग जाती थी वो रोड्स पर जितना भी फन होता था उसको देखने लग जाती थी वो अगर आपको चैप्टर याद होगा तो देखो बहुत सारे जो है गेम्स चलते थे बहुत सारा फन होता था तो वो उनमें देखने में बिजी हो जाती थी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट बोथ बी एंड सी नेक्स्ट वॉट वॉज बामा विक्टिम ऑफ बामा किस चीज़ का शिकार बनी जेंडर प्रेजुडिस चाइल्ड अब्यूज़ वायोलेंस कास्ट सिस्टम सही आंसर है ऑप्शन डी कास्ट सिस्टम इससे पहले भी आया था क्वेश्चन कि वो किस चीज़ से हर्ट हो रही थी अनटचबिलिटी से तो कास्ट के बेस पर जब भेदभाव किया जाता है छुआछूत माना जाता है तो उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वट डिड अनान टेल पामा मामा के ब्रदर ने उसको क्या बताया कीपिंग क्वाइट इज़ द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि चुप रहो इसी से समस्याएँ सॉल्व होंगी एजुकेशन इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेंस ऑफ कास्ट सिस्टम शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे कास्ट सिस्टम को उनके बंधन को तोड़ा जा सकता है ऑप्शन सी क्राइम इज़ द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम अपराध से ही समस्या को दूर किया जा सकता है ऑल ऑफ दीज सही आंसर है ऑप्शन बी मामा को बताया गया कि एजुकेशन ही तरीका है जिससे कास्ट सिस्टम को दूर किया जा सकता है नेक्स्ट हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम किसने बामा को बताया कि छुआछूत एक अपराध होता है हर मद फाद ब्रदर अंकल सही आंसर है ऑप्शन सी हर ब्रदर नेक्स्ट व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा टेल हर ब्रदर बामा ने एक चीज देखी एक घटना देखी और उसको बड़ी मजाकिया लगी और उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बहुत ही हंस के बताई तो कौन सा एपिसोड था कौन सी इंसिडेंट थी वो अ मैन ब्रिंगिंग वडाइज इन अ बास्केट अ मैन ब्रिंगिंग वडाइज फॉर हिज लैंड लोड बाई होल्डिंग द पैकेट बाई अ स्ट्रिंग अ मैन ब्रिंगिंग वडाइज इन अ टिफिन ऑल ऑफ दि सही आंसर है ऑप्शन बी कि लैंड लोड के लिए आदमी ही जो है खाना लेके आ रहा है और लेकिन वो उसको छू नहीं सकता स्ट्रिंग से उसने पैकेट को पकड़ा हुआ था तो ये चीज़ मामा को समझ नहीं आई थी उसको ये फनी एपिसोड लग रहा था बट उसके ब्रदर ने उसको नॉलेज दी कि क्या कारण है इसके पीछे ट्वेंटी सेवन विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू बामा कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती है ब्राह्मस मुस्लिम्स अन टचचेबल लो कास्ट सिख कम्युनिटी सही आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट है वॉट इज द मीनिंग ऑफ अनटचबिलिटी अन टचेबिलिटी होती क्या है सेग्रीगेटिंग अ माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ मनी नन ऑफ दीज सही आंसर है बी माइनॉरिटी को अलग थलग कर दिया जाए उनकी कास्ट के बेस पर मेन स्ट्रीम से उसको दूर कर दिया जाए ठीक है तो वो होती है अनटचेबिलिटी सो ऑप्शन बी इज़ राइट नेक्स्ट है व्हाट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट बामा को रास्ते में गली में जो कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी मंकीज़ का शो चलता था पोंगल ऑफरिंग्स होती थी साइकलिस्ट जो है लगातार साइकिल चलाता रहता था ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो चैप्टर में बहुत सारी बातें आई हैं अलग अलग शोज चलते थे वो सब कुछ जो है बामा को बहुत अच्छा लगता था सो ऑप्शन डी इज़ राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी वैन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये जो भेदभाव होता था उसके बारे में बामा को पहली बार कब पता चला व्हेन शी वाज इन द फर्स्ट क्लास इन द सेकंड क्लास थर्ड क्लास या फिर फोर्थ क्लास सही आंसर है ऑप्शन ए व्हेन शी वाज इन द फर्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 31 व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड्स मेन आस्क्ड अनन ऑन व्हिच स्ट्रीट डिड दे लिव लैंडलॉर्ड के आदमियों ने जो है बामा के ब्रदर से पूछा कि तुम कौन सी गली में रहते हो क्यों पूछा था वे उसकी कास्ट जानना चाह रहे थे फाइनेंशियल स्टेटस जानना चाह रहे थे उसके करेक्टर के बारे में पता करना चाह रहे थे या फिर ऑल ऑफ दीज सही बात है सही आंसर है ऑप्शन ए वो सब जानना चाह रहे थे कि इसकी कास्ट क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हाउ डिड बामा अर रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ़ हायर क्लास बामा ने जो है हायर क्लास का रिस्पेक्ट जीता यानी कि उनकी नज़रों में वो रिस्पेक्टेबल हुई किस तरीके से क्या किया उसने बाय स्पेंडिंग मनी बाय ऑफरिंग दैम गिफ्ट्स बाय शॉपिंग बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजिशन इन हर क्लास ऑप्शन डी इज राइट क्योंकि बामा के ब्रदर ने बताया था कि शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जिससे कास्ट सिस्टम को दूर किया जा सकता है तो उसने डिसाइड कर लिया था कि बहुत पढ़ना है बहुत मेहनत करनी है और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वॉट टाइप ऑफ शोज अट्रैक्टेड बामा बाय बाई ज टाइपिंग मिस्टेक है वॉट टाइप ऑफ शोज अट्रैक्टेड बामा ये होगा कि किस तरीके के शोज़ जो हैं वो बामा को अट्रैक्ट करते थे पपेट शो है वाकिज का शो है स्ट्रीट प्ले है ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट वॉज कॉमन बिटवीन जिट कलासा एंड बामा अब आता है पॉइंट कि दोनों के बीच में कॉमन बात क्या है दे बिलोंग टू माइनॉरिटी दे वर विक्टिम्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेज वर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ देयर क्लास ऑल ऑफ दीज सही आंसर है ऑप्शन डी माइनॉरिटी भी है उसी से बिलोंग करती है में कल्चरल डिफरेंस हो गए हैं क्लास जो है क्या है वो रिच क्लास से दूर हैं वो पुअर क्लास से बिलोंग करती हैं सो ऑप्शन डी इज राइट एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन वॉट इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ऑप्शन ए टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्लास ऑप्शन बी टू ट्रीट ऑल ह्यूमन बींग्स इक्वली ऑप्शन सी टू स्टॉप वर्ड्स डी बोथ ए एंड बी आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कास्ट कलर या फाइनेंशियल स्टेटस क्लास के बेस पे भेदभाव को रोकना सभी इंसानों को इक्वली ट्रीट करना यही इस चैप्टर का मैसेज है वर्ड से रिलेटेड कोई बात नहीं आई है चैप्टर में सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज राइट तो यहीं पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो